Question number 8, page number 175. देखो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, क्रेडिट बुक, ठीक है। आज कौन सा कर रहे हैं, पेज नंबर 175, अनसॉल्वड एग्जांपल। मिस्टर आकाश गिव्स यू, तो यहाँ पे किसकी बुक बनेगी, मिस्टर आकाश की। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आस्क यू टू प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। सर एक सेकंड, चलो बेटी, ओके देखो अभी तो जनवरी 2018, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2018 जनवरी 2018 जन 2018 और 2018 जन। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम धनाल ट्रेडर्स या धनल ट्रेडर्स जो भी है, फॉर 15,000 एंड सोल्ड द सेम टू कुनाल ट्रेडर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। ये इस तरह के ट्रांजेक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, सॉल्व में भी किया हम लोगों ने, सॉल्व एग्जाम्पल में भी किया हुआ, अनसॉल्व में भी किया हुआ। पहले तो क्या है, परचेज किया धनाल से, तो एक तारीख नाम क्या है, ट्रेडर्स, कितना 15,000। तो जो आप परचेस करते हो ना, जो भी अमाउंट पे करते हो, वो क्या होता है, कॉस्ट होता है। फिर इसके ऊपर कितना प्रॉफिट लेके हमने कुनाल को बेचा है, 25%। तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, देखो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला ना, तो इसके पे करेंगे। अगर 25% प्रॉफिट ऑन सेल बोलता तो वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ अलग होता, तो उस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल कॉस्ट पे है तो सिंपल है, 15,000 का 25% कितना होगा, ये दो जीरो कैंसिल, ये जीरो का जीरो लो, है ना, ये भी कैंसिल, 15 5 75, 7 कैरी किया, 15 30 + 7 कितना होगा, 37, है ना, ये 37 किस में ऐड करोगे, 15,000 है कि नहीं, तो आपका कितना जगह 18,750। ये क्या हो गया, आपका सेल प्राइस, एसटी मतलब सेल प्राइस, आपने किसको बेचा है, कुनाल को, कितनी तारीख को, एक कुनाल क्या ट्रेडर से या क्या कुनाल ट्रेडर से, ट्रेडर्स कितना 18,750। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे के, आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। 5 तारीख को प्लेस्ड एन ऑर्डर विद सुनेत्रा फॉर गुड्स ऑफ 10,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। पहली बात तो यहाँ पे देखो, सुनेत्रा को हमने ऑर्डर दिया है, ना तो उसने हमको सेल किया ना हमने अभी तक परचेस किया, जस्ट ऑर्डर है, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी, नो एंट्री, है समझ लें। कभी ऑर्डर हमने प्लेस किया 5 तारीख को, आगे क्या है 8 तारीख, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सौरभ ट्रेडर्स। परचेज किया है, सिंपल है, 8 तारीख, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम सौरभ, है ना, ठीक है। सौरभ ट्रेडर्स, तो ये ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे माइनस करते हैं, पता है ना आपको, पहले क्या लिखते हैं, ग्रॉस कितना 20, उसमें से क्या माइनस करोगे, टीडी कितना बोला 10%, तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, तो नेट विल बी 18, है ना, यहाँ पे सौरभ ट्रेडर के सामने क्या आएगा 18,000, ब्रैकेट में लिख दो एट द रेट 10% टीडी, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, 13 तारीख, सोल्ड गुड्स टू विनायक स्टोर्स 8,000 एट 5% टीडी, बहुत ही सिंपल। सेल्स बुक में हम जाएंगे, कौन सा ट्रेडर है, विनायक ट्रेडर्स, एट द रेट कितना परसेंट टीडी है,
5%। तो 8000 का 10% कितना आएगा? 800। तो 5% कितना आएगा? 400। तो 8000 में से 400 गया तो 7600। सिंपल है। नेक्स्ट, अभी विनायक स्टोर्स रिटर्न गुड्स टू अस 200। विनायक अपने माल बेचा, उसने अपने को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया तो यहाँ क्या हो गया? कितनी तारीख है? विनायक ट्रेडर्स। अब यहाँ पे देखो, कल मैं कल के लेक्चर में मैंने वही बताया था कि अगर आपको ग्रॉस दिया है तो आप टीडी कैलकुलेट करोगे रिटर्न पे, ग्रॉस नहीं दिया है, नेट दिया है तो आप क्या करोगे? टीडी कैलकुलेट नहीं करोगे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है ना, ना ग्रॉस दिया ना नेट दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये नेट अमाउंट क्या है? नेट। तो इसमें डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं। समझ में आया कुछ? ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? सुनेत्रा एग्जीक्यूटेड आवर ऑर्डर प्लेस्ड ऑन 5th January 2018। 5 तारीख को जो हमने सुनेत्रा को ऑर्डर दिया था उसने वो एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट कर दिया मतलब उसने ऑर्डर हमें भेजा, हमने उसको ऑर्डर दिया था, उसने हमको माल भेजा, तो हमारे लिए क्या हो गया? परचेज। ठीक है, कितनी तारीख को परचेज हुआ ये? 18। सुनेत्रा, कौन सा नेत्रा? सुनेत्रा। ठीक है, कितने का ऑर्डर दिया था उसको हमने? 10000 का। तो 10000 का ऑर्डर दिया था लेकिन 5% क्या था उस पर? टीडी। तो यहाँ पे 5% आप माइनस करोगे, 10000 का 10% कितना होगा? 1000। तो 5% कितना होगा? 500। यहाँ पे नेट पे कितना आएगा? 9000।